अभी अपनी गाड़ी चली है 5,898 किलोमीटर। वाओ, क्या MID है। और रेंज बता रहा 231 किलोमीटर, और अभी रेंज बता रहा 231 किलोमीटर की। और अपन ने इसको कर दिया है डिस्टेंस ट्रिप ए जीरो कर दिया, और ट्रिप बी भी जीरो कर दिया। तो अपन देखते हैं ट्रिप ए और ट्रिप बी में कितना अंतर आता है, और अपन फील्ड भी कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कितना शो करती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ बूम मोटो सैलू में। और आज हम भाई ट्रिप ए और ट्रिप बी में अंतर देखेंगे, कितना माइलेज में अंतर आता है, तो MID पे कितना शो करती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ बूम मोटो सैलू में। और ये वाला भाई मॉडल है अपने पास नेक्सॉन फियरलेस प्लस एस का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। तो चलिए मिलते हैं सीधे रास्ते में। हाय फ्रेंड, तो अभी 5 किलोमीटर चले हैं और MID शो कर रहा 15.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ट्रिप बी पे। और ट्रिप ए पे देखते हैं, ट्रिप ए पे भी 15.2 लीटर का माइलेज। तो देखते हैं अभी अपन 40-50 किलोमीटर चला के देखते हैं क्या अंतर आता है। भाई कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था मेरे टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट वाले वीडियो पे कि भी आप जीरो करके एक बार टेस्ट करके दिखाइए कि ट्रिप ए और ट्रिप बी में कितना अंतर आता है माइलेज टेस्ट में। तो अपन सोचेंगे भाई अगर अंतर आता है तो MID गलत बता रही है, और अगर सही आता है तो अपन सोचेंगे सही बता रही, बिल्कुल राइट। तो चलिए, और भाई कुछ ऐसा माहौल है आज का, ट्रैफिक देख रहे हो कैसा ट्रैफिक है, खतरनाक ट्रैफिक है भाई, खतरनाक ट्रैफिक। ये देखो तो फ्रेंड्स, अभी अपन लोग चले हैं 15 किलोमीटर, और एवरेज भी बता रहा 15.8 सो कर रहा भाई दोनों ट्रिप पे, ट्रिप ए भी और ट्रिप बी भी। देख रहे हैं आप, ट्रिप बी भी 15 दिखा रहा है एवरेज, और चले भी अपन 15.3। और ट्रैफिक कुछ ऐसा है मेरे फ्रेंड, देख रहे हो आप ट्रैफिक कितना खतरनाक है। और गाड़ियाँ भाई तुरंत आती यहाँ पे। और अभी अपन निकले भाई खंडवा इच्छापुर हाईवे पे। अभी फर्स्ट सर्विस अपन ने करा ली है, अब सेकंड सर्विस पे देखते हैं। 6-7 हज़ार किलोमीटर पे सेकंड सर्विस है, तो उसके बाद देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आता है। तो कुछ ऐसा कितना गंदा ट्रैफिक है, देख रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा। और ब्रेकर देखो कितने बड़े बड़े ब्रेकर बना रखे हैं, बम्पर टू बम्पर। कभी कभी तो भाई गाड़ी चलती ट्रैफिक जाम हो जाता था। घाट सेक्शन में पहुँचे फ्रेंड, बहुत ख़तरनाक घाट है, देख रहे हैं आप। और अभी 15.6 का ही एवरेज दे रही है, और अपन इसको ट्रिप बी को अपन जीरो करेंगे 40 किलोमीटर चलाने के बाद, उसके बाद समझ में आएगा। और अपन ने पेट्रोल भी फ्यूल करा लिया भाई, 22 लीटर पेट्रोल करीब डलवा लिया अपन ने, और 530 की रेंज बता रहा है। और माइलेज टेस्ट टैंक टू टैंक तो अपन फिर करेंगे, आज तो अपन ये ट्रिप ए और ट्रिप बी वाला ही टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी 38 किलोमीटर चले, और अभी 16.4 का एवरेज दे रही भाई MID पे। और MID के एवरेज में और रियल लाइफ एवरेज में बहुत अंतर है भाई, 3 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। ये सब 12-13 का एवरेज देती है, और इसमें MID में 16.5 का दिखा रही। ट्रिप ए में 16.5 और 38.5 किलोमीटर चले, और ट्रिप बी में भी 16.5। और 40 किलोमीटर चलने के बाद भाई अपने एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें बोला था कि भाई आप ट्रिप दोनों में आप डिफरेंट करके देख लेना कि कितना अंतर निकालती है। अपन 40 के बाद ट्रिप बी को जीरो कर देंगे, और उसके बाद डिफरेंट देखेंगे कि भाई कितना एवरेज दे रही है। तो और अभी अपन चले हैं 38 किलोमीटर, और रेंज बता रहा है 516 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अभी 40.2 किलोमीटर चलिए, और MID पे एवरेज शो कर रहा 16.5 ट्रिप बी, और ट्रिप
ट्रिप ए पे भी 16.5 शो कर रहा, तो ट्रिप बी को करते अपन 0, ट्रिप बी को करते हैं 0, और ट्रिप भी अपन ने 0 कर दी है। और कुछ ऐसा नज़ारा भाई, बारिश हो चुकी है और बाहर देख रहे हो कितना बढ़िया नज़ारा है, वाओ। तो फ्रेंड ट्रिप बी शो कर रही है एवरेज 6.8 किलोमीटर चलने के बाद 17.6 किलोमीटर, और ट्रिप ए शो कर रही 16.8 किलोमीटर 47.2 किलोमीटर चलने के बाद। तो ट्रिप ए और ट्रिप बी को अपन चलाते हैं, ट्रिप ए चल जाएगी 80 किलोमीटर और ट्रिप बी चलेगी 40 किलोमीटर, उसके बाद डिफरेंस पता चलेगा भाई कि MID क्या गलत शो करता है। और ट्रैफिक कंडीशन वैसी है, सेम है, देख रहे हैं आप, ट्रैफिक तो एकदम सेम है भाई, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, स्पीड थोड़ी मेंटेन होती है फिर चलती है, और पूरी ड्राइव अपनी भाई सिटी ड्राइव है, सिटी मोड पे ही चला रहे हैं अपन, इको मोड पे चल ही नहीं सकते भाई, क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अपन पूरा सिटी मोड पे ही चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड ही नहीं रह रही, क्योंकि स्पीड ही नहीं पकड़ रही है गाड़ी भाई, 40 से ऊपर ही नहीं जा रहे अभी तो। अभी फ्रेंड्स पहुंचे हम लोग नर्मदा रिवर पे, देख रहे हो क्या बढ़िया नज़ारा है, बोले तो एकदम झकास। और MID पे अपनी मीटर रीडिंग शो कर रही है 59.1 और एवरेज ट्रिप ए का दिखा रहा है 17.1, और ट्रिप बी का अपन चले हैं 19 किलोमीटर और अभी शो कर रहा 18.3 का एवरेज, थे ना भाई 1 किलोमीटर का डिफरेंस है भाई, देखते हैं आप कितना अंतर आता है। और साड़ी वाली मैडम जी पूरे रोड पे ही गाड़ी चलाएंगी क्या, थोड़ा साइड में चला लो तो पीछे वाले भी निकल जाए, आगे पीछे जरा देख लिया करो साइड ग्लास में, अभी भी सेंटर में ही चला रही भाई स्कूटी वाली दीदी, ओ वाओ क्या नज़ारा है, और मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो रहा है मेरे फ्रेंड्स, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो अभी 39.8 किलोमीटर चले हैं अपन और MID पे एवरेज शो कर रहा 18.10, और ट्रिप है बी और ट्रिप ए बोले तो 80 किलोमीटर चले भाई और 17.3 का, मतलब 1 किलोमीटर का लगभग अंतर बता रहा है भाई MID ट्रिप ए और ट्रिप बी में। और टोटल गाड़ी चली है 5,979 किलोमीटर और पेट्रोल दिखा रहा है भाई, और रेंज दिखा रहा भाई 501 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। और ट्रिप ए 80.5 और अब ट्रिप बी दिखाते हैं अपने को, और 40 किलोमीटर चलने के बाद ट्रिप 18 किलोमीटर का एवरेज बता रही है, तो भाई MID में 1 किलोमीटर का अंतर बता रही है ट्रिप और ट्रिप बी में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। और आपको ऐसे ही नेक्सॉन से संबंधित और भी कोई सा ब्लॉग चाहिए तो आप हमें भाई कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्सॉन पे कौन सा ब्लॉग चाहिए, आराम से भाई आराम से।